हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोलो नेक्स डीडी टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कई समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये डोलो नेक्स डीडी टैबलेट जो कि फाइजर कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 215 रुपये है, जो कि स्टीम में 15 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं पायरोक्सी कैम डिस्पर्सिबल 20 mg, ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है जो कि मुंह में रखते ही घुल जाती है। दोस्तों इस दवा को कई समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर 2, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, हड्डियों में इन्फ्लामेशन हो तो उसमें यूज की जाती है। नंबर 3, अर्थराइटिस हो। नंबर 4, मैंट्रोरल पेन हो। नंबर 5, दांतों में दर्द हो। नंबर 6, गाउट की प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों इस दवा को इन सभी समस्याओं में प्रयोग की जाती है। बाकी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी कई बीमारियों में प्रयोग करवाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस दवा को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को एक एक टैबलेट दिन में 2 बार ली जाती है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में खाना खाने के बाद 3 से 5 दिनों तक। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर आप ये दवा यूज कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, अल्कोहल के साथ यूज ना करें। नंबर 2, हाइपरटेंशन में भी यूज ना करें। नंबर 3, किडनी लीवर पेशेंट यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 4, प्रेग्नेंट लेडी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 5, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस दवा के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बार-बार यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, वोमिटिंग, नोजिया, हाइपरटेंशन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था हमारी वीडियो डोलो नेक्स डीडी टैबलेट के बारे में। और दोस्तों तेरे टैबलेट में और भी कई कंपनी के टैबलेट अवेलेबल है, जैसे कि पीटी कैम टैबलेट, चैनी कैम टैबलेट, यूजेसिक टैबलेट, एपिडोन टैबलेट, जो कि टैबलेट एक ही होती है, बस कंपनी फर्क होता है, वर्क और इंग्रेडिएंट दोनों सेम होती है। तो आप इनमें कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।